नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे टू कॉलर ऐप के अंदर एक छोटी सी सेटिंग के बारे में, जिसको ऑन करने में दोस्तों आपके आने वाला कॉल का रूप बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे आपका भी आने वाले कॉल के रिंग का रूप यहाँ पे बदल जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा था, तो उसमें कुछ कमेंट आ रहे हैं कि सर ये सेटिंग ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों अब इस वीडियो को आपको बहुत ही ध्यान से वॉच करना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि दोस्तों कुछ सेटिंगों को आपको ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद दोस्तों आपके भी यह टू कॉलर की सेटिंग आपके ऑन हो जाएगी और आपके भी आने वाला कॉल का रूप बदल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं मनोज चेचे। तो दोस्तों आप भी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लेना, ताकि ऐसा यूजफुल वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मेरे फ़ोन स्क्रीन पर, दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। अब दोस्तों आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आप जैसे अपने टू कलर ऐप को, मतलब अपने पिछले वीडियो को देख के आपने जैसे टू कलर ऐप को ऑन किया था, वैसे करने के बाद दोस्तों ये सेटिंग ऑन क्यों नहीं हो रही थी। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, दोस्तों आपने जैसे अपने टू कलर ऐप को ओपन कर लेते हैं। टू कलर ऐप को ओपन करने के बाद दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन मिल चुका है आपको। तो दोस्तों इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस सेटिंग के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको आपको कॉलर आईडी का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस कॉलर आईडी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों इस कॉलर आईडी के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों ऐसा इंटरफेस आपको सामने को मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ चुका है। और आने के बाद दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आपको इस फुल स्क्रीन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों इस फुल स्क्रीन पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे गो इट नाम से ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे गो इट का ऑप्शन नहीं आ रहा है और ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों इस वाले ऑप्शन पर भी मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे आपके मोबाइल में भी इस तरह से प्रॉब्लम आ चुकी होगी, ये सेटिंग ऑन नहीं हो रही है। तो दोस्तों आज मैं बताऊँगा आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे पूरा बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपके अपने मोबाइल के अंदर अपनी सेटिंग को ऑन करना है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। तो दोस्तों आपको यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग को ऑन करना होगा। सेटिंग को ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स नाम का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप्स नाम का ऑप्शन आ चुका है। आपके ऐप्स नाम का ऑप्शन ना आवे तो दोस्तों आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है और आपको यहाँ पे ऐप्स सर्च कर लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऐप्स को सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद दोस्तों कुछ प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा प्रोसेस हो रहा है। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन आ चुका है ऊपर। तो दोस्तों इस ऐप्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप होंगे वो यहाँ पे आपको सो जाएंगे। सो होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टू कलर ऐप को यहाँ पे ढूंढ लेना है। तो दोस्तों आपको ढूंढ लेना है या आपको यहाँ पे फिर से सर्च पे जाना है और सर्च पर आपको टू कलर लिख लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर ऊपर यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे टू कलर ऐप आ चुका है। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इससे इंटरफेस आपके मोबाइल में आ जाएगा। तो दोस्तों अब आपको ध्यान से देखना है कि दोस्तों इसके अंदर मैं कुछ सेटिंगों के बारे में बताऊंगा, उसको आपको ऑन करना है। तो दोस्तों आपको ध्यान से सुन लेना है। तो दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा बैक आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको अलाउ कर देना है। तो दोस्तों आपके ये ऑफ होगा, तो दोस्तों इसको आपको ऑन कर देना है, इसको इनेबल कर देना है। तो दोस्तों इसको इस तरह से आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देख लेना है कोई सभी यहाँ पे ऑफ नहीं हो। ऑफ हो तो आपको यहाँ पे सभी सेटिंगों को यहाँ पे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे कॉलिंग ऐप का। तो दोस्तों आपको इस कॉलिंग ऐप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों आप ये कॉलिंग ऐप पे जैसे क्लिक करोगे तो दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा फ़ोन का। तो दोस्तों आपके मोबाइल में भी यहाँ पे फ़ोन को इनेबल कर रखा होगा या ऑन कर रखा होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टू कलर को ऑन कर लेना है। इस वाले ऑप्शन पर आपको ऑन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे टू कलर को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों अब आगे मैं आपको बताऊँगा आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूरा बैक जलाना है। तो दोस्तों बैग आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैसेजिंग ऐप। तो दोस्तों यहाँ पे मैसेजिंग ऐप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको यहाँ पे मैसेज आया, तो दोस्तों आपको यहाँ पे टू कॉलर ही करना है। तो दोस्तों आपके यहाँ पे आपका जो मैसेज होगा वो आपको मैसेज पे क्लिक होगा, तो दोस्तों आपको इसको इनेबल करना है और आपको यहाँ पे टू कॉलर को ही ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लास्ट एक सेटिंग बताऊँगा, उसको आपको ऑन कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एपर ऑन टॉप का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों इस पर भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको आपको अलाउ परमिशन कर देनी है, इसको ऑन कर देनी है। तो दोस्तों आपके मोबाइल में ऑफ हो तो इसको ऑन कर देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक और सेटिंग कर लेनी होगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको अलाउ परमिशन कर देनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑफ हो तो इसको ऑन कर देना हो। तो दोस्तों इसको मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फिर से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों आपको एक लास्ट और सेटिंग करनी होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इंस्टॉल अनकनो ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर इंस्टॉल अनकनो ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, तो इस वाले ऑप्शन पर भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको भी दोस्तों आपको यहाँ पे ऑन कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी पूरी सेटिंगों को यहाँ पे ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पूरे तरह से बैक आ जाना है, या आपको यहाँ पे सीधा ही इसको ओपन कर लेना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे ओपन का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों जैसे आप ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपका टूकलर ऐप ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ पे ओपन का ऑप्शन ना आवे तो दोस्तों आपको पूरी तरह से बैक चले जाना और अपने टूकलर ऐप को ओपन कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सीधा ओपन का ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे टूकलर ऐप पूरी तरह से ओपन हो चुका है। अब फिर से आपको दोस्तों ऊपर थ्री लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों इस थ्री लाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो दोस्तों इस सेटिंग के ऑप्शन पर भी आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कॉलर आईडी के ऑप्शन पर जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलर आईडी के ऑप्शन आपको मिल चुका है, तो दोस्तों इस पर भी आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन है यहाँ पे ऑन हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आपको मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, अब दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऑफ हो रखा है। तो दोस्तों इसको ऑन करके आप देख सकते हो यहाँ पे, तो जैसे आप इसको ऑन करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे गो इट का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इस गो इट के ऑप्शन पर भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने बहुत ही आसान तरीके से इस टूकॉलर ऐप के अंदर इस सेटिंग को ऑन करना सीख लिया है। तो दोस्तों आपने बहुत ही आसान तरीके से इस टूकॉलर ऐप के अंदर अपने आने वाले कॉल को रूप का बदलना सीख लिया होगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपका कोई भी सवाल और सुझाव तो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिए, ताकि ऐसा यूजफुल वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले मिल जाए और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों ऐसा यूजफुल वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक करके जरूर देना। तो फिलहाल के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।